बांदा में 4 साल की मासूम बच्चे के साथ 2 हैवानों ने नशे में रेप की वारदात को अंजाम दिया। मामला गिरवा थाने का है, जहां मासूम घर के बाहर आंगन में अपने परिवार के साथ सो रही थी। देर रात करीब 1 बजे गांव के ही 2 युवक नशे की हालत में पहुंचे, जिसके बाद वो बच्ची को सोते समय चारपाई से उठाकर उसे गांव के बाहर ले गए और गैंगरेप की जघन्य वारदात को अंजाम दिया। हम सो रहे थे तो उजाला गया, जब हम बिटिया रोए तो मम्मी साफी मार दिए, वो जाके ले जाए, खुद दूरी गई, फिर लौटे आई, नहीं आवाज नहीं आया, फिर लौट चले गए, कोलिया कोलिया हमने घर लौटे, फिर आदमी को चिल्लाया तो आदमी ने फिर दौड़ा, फिर बाद में गया तो जब जब हमने कर दिया। क्या किया इन्होंने बिटिया के साथ? संभव किया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने बच्ची के बयान के आधार पर दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। आज रात की बात है, रात लगभग 1-2 बजे के बीच की घटना है। 100 नंबर पे सूचना आई थी कि एक बच्ची है नाबालिग, जिसको कुछ लोग ले गए हैं और उसके साथ दुष्कर्म करने की आशंका है। जैसी पुलिस को सूचना मिली है, 15 मिनट के अंदर पुलिस वहाँ पहुँच गई थी और गाँव वालों और परिजनों के साथ मिलकर तुरंत ढूंढा गया है। तो गाँव से लगभग 1/2 किलोमीटर दूर बच्ची बरामद हो गई है और उसको मेडिकल के लिए तत्काल भेजा गया है, उसको रेफर किया गया है मेडिकल कॉलेज कानपुर के लिए, तो समुचित कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। आपको बता दें कि बच्ची की गंभीर हालत को देखते हुए उसे कानपुर रेफर किया गया है। वहीं पुलिस की जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार दोनों आरोपियों पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बांदा से जफर अहमद की रिपोर्ट।